अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं यासिर खान, आप देख रहे हैं यासिर डायरी मेरे यूट्यूब चैनल से। सबसे पहले जिन लोगों ने यासिर डायरी सब्सक्राइब नहीं किया, जाएं यूट्यूब पे और सब्सक्राइब कर लें। सीन कुछ ऐसा है कि आज है हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी और इस दिन के लिए हमने शायद एक साल से ज़्यादा वेट किया। यहाँ पे सुबह के 9:30 बज रहे हैं और हमने अभी तक शॉपिंग भी नहीं की, बाल भी हमारे काफ़ी जो है ना बड़े हो गए हैं, तो जल्दी से जाते हैं कपड़े लेने हैं, इसके बाद जो है ना आपको दिखाते हैं क्या सीन है। मुझे तो ये कलर अच्छा लग रहा है, तो देखते हैं ये भी उठा लेते हैं। अच्छा, ये वाली शर्ट उठा लेते हैं, ये वाली टाई उठा लेते हैं। यार ये तो कमाल कर गया, फिटिंग भी ठीक है और कलर भी माशाल्लाह बेहतरीन है, तो इसको जो है ना फाइनल कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से ज़्यादातर चीज़ें मेड इन बांग्लादेश हैं, यानी इसकी स्टिचिंग जितनी भी होती है वो बांग्लादेश या चाइना से होती है, तो इसलिए वहाँ पे लेबर कास्ट जो है ना वो आपको सस्ती पड़ती है। तो चलें जी, ये हो गई हमारी शॉपिंग और टोटल कास्ट मैं आपको बता देता हूँ वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए, तकरीबन जो है ना 86 पाउंड जो है ना हमारे आए हैं। आप यकीन करेंगे हमने टोटल जो है ना 5 मिनट के अंदर शॉपिंग की है, और क्योंकि टाइम की हमारे पास कमी है। और बात आपको बताता चलूँ कि अगर आपने कभी भी जो है ना सूट लेना है या कुछ भी जो है ना क्लॉथिस लेना है तो वो अपने मुल्क से ही लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगे हैं, और दूसरा ये है कि आपको वही अच्छी चीज़ जो है ना अपने मुल्क से ही मिल जाती है। शॉपिंग तो हमने कर ली है और बारबर के पास अभी जाना है, तो जल्दी से बारबर के पास जाते हैं। बारबर से पहले जाने के लिए ATM मारना ज़रूरी है। अच्छा, एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ, यहाँ पर जो है ना बारबर बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और जो है ना हमें निकाल लेते हैं 30 पाउंड और देखते हैं फिर। ओ आ जा भाई, वाह, हाय मलका, उम्मीद है ये 30 पाउंड में गुजारा हो जाएगा। हमें भी जो है ना सीट मिल गई है और हम भी बैठ गए हैं, तो देखते हैं और आपको नई लुक के साथ जो है ना वापस आते हैं। हाँ जी, नई लुक चेक करें, वाह चस्सा आ गई है। रेडी हम हो चुके हैं और तकरीबन जो है ना सेरेमनी स्टार्ट होने में 2 घंटे का टाइम है। हमने गाउन भी कलेक्ट करना है और जो कैप है ग्रेजुएशन कैप वो मैंने अमेजोन से ऑर्डर कर ली थी, और ग्रेजुएशन जो गाउन है वो यूनिवर्सिटी से जो है ना हायर किया है, तो वो वहीं जाके आपको दिखा। सबसे पहले हमने चेक इन करना है और फिर उसके बाद जो है ना गाउन कलेक्ट करने हैं। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? आप कहीं कभी कहीं कभी कहीं आप एक जगह टिकते नहीं है यार, बस क्या करें। यार हम काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं कि यहाँ ये इस जगह पे जो है ना पिक्चर खींचनी है, तो हमें जगह ही नहीं मिल रही, तो क्या करें यार, कोई सोल्यूशन बताएं ना इसका। वेट करेंगे, सबका मर्जी है ना, सबको फोटो खींचने का है। ओके, इसका मतलब है सबके लिए वेट करें। वेट करें, अभी तो टाइम है। हमारी सेरेमनी है वो करीब एक चर्च है वहाँ पे है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो आपको भी बाकी के मामला दिखाते हैं। कैसी फीलिंग्स है आपकी, व्हाट्स योर फीलिंग टुडे? वी आर वेटिंग फॉर द डे फ्रॉम द लॉन्ग 1 ईयर। ओके, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा निकला। क्यों? बड़े खुश नज़र आ रहे हैं आज तो बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज उन्होंने बत्ती बना के देनी है। हमने चेक इन कर लिया और चर्च की रिस्पेक्ट के लिए थोड़ी सी आवाज़ जो है ना हम स्लो रखेंगे। जो
जो सीट है ना वो 99 है, तो हम जो है ना ढूंढते हैं 99 कहाँ पे है। आखिरी सीट मेरे ख्याल में हमें मिली है। मेरे ख्याल में 99 जो लास्ट सीट्स होती है वो उन्हीं को मिलती है, जो टॉपर होते हैं वो उनको बैक पे बिठाते हैं, और जो जिनके मार्क्स कम होते हैं उनको शायद नंबर वन सीट्स देते हैं, तो इसलिए मुझे भी जो है ना 99 सीट मिली है। अच्छा, सेरेमनी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि तकरीबन 100 के करीब जो है ना स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स हो रहे हैं इस टाइम। जो मैं मिस कर रहा हूँ वो ये है कि सब स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स आए हुए हैं और हमारे साथ शायद नहीं आ सके, तो क्योंकि ज़िंदगी में ये ग्रेजुएशन एक या दो बार होती है, तो काफ़ी जो है ना ये एक्साइटेड लम्हा है मेरे लिए भी, ख़ानदान के लिए भी। तो हाँ भाई, कैसी फीलिंग है? एकदम बढ़िया भाई, पहले बार हो रहा हूँ ग्रेजुएट। ओके, मुबारक। स्टार्ट हो रही है। सेरेमनी का इख्तिताम हो रहा है और रिफ्रेशमेंट का इंतजाम भी किया गया है, तो देखते हैं। देखते हैं क्या है इसमें। ये मजहर साहब है मेरे दोस्त, और इसको जो है ना डिग्री एक खुदा ने करवाई है, एक मैंने करवाई है, और तीसरा जो है ना चैट जीपीटी ने करवाई है, वरना इसकी डिग्री नहीं होनी थी। हम किया है कि ये नॉन अल्कोहल है, तो ग्लास वैसे ही लग रहे हैं, लेकिन मदर कितने सब्जेक्ट में फेल है? बात यह कि ग्रेजुएशन के बाद पार्टी तो बनती है। करीबी स्वीट शॉप है तो हम वहाँ पे आए हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या चीज है। अच्छा, ये क्या चीज है? ये चीज केक है, इसको चीज केक। ये चीज केक हो गया। ये क्या? ये बकलावा है। अच्छा, ये बकलावा है, तो हमें आप यहाँ पे क्यों लेके आए? ये लंदन की बेस्ट बकलावा प्लेस है। अच्छा, लंदन का बेस्ट बकलावा है, काफी फेमस है ये। ओके, तो मतलब अगर बंदे ने स्वीट्स खाना हो कुछ भी, तो यहाँ पे डेजर्ट्स की स्पेशल प्लेस है, टर्किश डेजर्ट्स की। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।